अंबानी जी के पलटने से, बियानी जी के मना करने से, अमेजोन के घुसने से ही इस शेयर में कारण, डील के कारण ही आप किसी चीजों में निवेश करेंगे तो आप पक्का ही पक्का लॉस। 6.80 रुपए के हिसाब से मैंने इसके शेयर लेकर रख लिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने क्यों लिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की, का जो मैटर पिछले साल से जो लटक रहा है, जिसके कारण काफ़ी इसके अंदर लोग फंस गए हैं और काफ़ी लोगों ने ऊपर की स्थिति में इसके अंदर काफ़ी बाइंग कर रखी है और वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये डील फाइनल हो और वो कब उनके प्राइस से ये शेयर ऊपर जाए। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। जब इसको कोई कह रहा था फ्यूचर रिटेल को कि अब ये 70 से नीचे नहीं जाएगा, तो उसके बाद भी इसने काफ़ी नीचे के स्तर आपको दिखा दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, डील होने का जो समय सीमा बची है वो 4 हफ्तों की है और कोर्ट ने भी 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को कंप्लीट करके बताया जाए कि अब करना क्या है। सारी नज़र जो टिकी है सिंगापुर के जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर टिकी है और अब कहीं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेजोन को एक वार्निंग सी दे दी है स्टे देकर कि अब अगर जल्दी से इस चीज़ को पूरा नहीं करा गया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ही इसके अंदर कुछ तथ्यों के आधार पर अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा और उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है। और कमाल की बात ये भी है कि 4 हफ्ते बाद ही अंबानी जी और फ्यूचर ग्रुप की डील की जो समय सीमा है वो भी ख़त्म हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 4 हफ्ते पूरे होने से पहले ही एकदम से क्यों उछाल आ गया है इन शेयरों में। देखो सर, ये न्यूज़ आती रहेंगी और न्यूज़ आते ही आपके शेयरों में ऊपर नीचे के स्तर दिखा दिए जाएंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि चलती हुई किट में जब न्यूज़ आती है तो अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाता है शेयर, अगर निगेटिव है न्यूज़ तो वो शेयर नीचे आता है। ये चलती हुई मार्केट में जो ये न्यूज़ आई थी कोर्ट वाली कि स्टे दे दिया है, तो इसकी वजह से ही सारे शेयरों ने जम मार दिया और फ्यूचर रिटेल ने तो अपर सर्किट तक मार दिया है। काफ़ी लोग अब सोच रहे हैं कि ये डील हो जाएगी। देखो, डील होना संभव है क्योंकि फ्यूचर कंज्यूमर जो अच्छा ब्रांड बनता जा रहा है अंबानी जी का, रिलायंस का, और उसके अंदर अच्छा काम होता जा रहा है। अगर आप बिग बाज़ार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे चीज़ें भरपूर मिलेगी, कोई भी आपको रैक वहाँ पर खाली नहीं मिलेगी। इन चीज़ों से ही आप हर शेयरों को पता लगाएं। देखो, अगर जब तक कि आप खुद जाकर बिग बाज़ार में या कोई भी शेयर जो आप लेते हैं उसके कंडीशन के बारे में नहीं जान पाएंगे और सिर्फ न्यूज़ के कारण, डील के कारण ही आप किसी चीज़ों में निवेश करेंगे तो आप पक्का ही पक्का लॉस लेंगे। आपको जड़ पे जाना है, जड़ देखनी है कि जड़ मजबूत है कि नहीं है। जब कोई पेड़ सूखता है तो उसकी जड़ कमज़ोर हो जाती है, और मुझे लगता है कि इसका पेड़ जो है फ्यूचर ग्रुप का सूखा नहीं है क्योंकि भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन और काम चलता जा रहा है, और यही मैं कारण आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें समझ ली सर, आप गुमराह मत हो जाओ कि कोई आपको बता दे कि चार्ट अब ब्रेकआउट करेगा या इसके फंडामेंटल मजबूत हैं, ये बहुत ऊपर जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप प्रे कर दो ऐसे शेयरों के में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ न्यूज़ ही इफ़ेक्ट लाती है और जो इसके अंदर काम चल रहा है उसी के कारण ही आपको अपने दिल को मजबूत कर कर इसके अंदर अपनी स्थिति बनानी है। अब आपका दिल क्या, देखो मेरा दिल तो कह रहा है क्योंकि मैंने तो जब मुझे कुछ पता लगा था तो मैंने फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर ले लिए थे, मुझे पता था ये आगे जाएगा और मैंने इसके जो शेयर लिए थे 6.80 रुपए के हिसाब से मैंने इसके शेयर लेकर रख लिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने क्यों लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कंपनी में कि ये बंद तो होने वाली नहीं है, और जहाँ डील बिल्कुल कंप्लीट हो गई तो ये जो अभी भाव मिल रहे हैं ना सर, ये फिर कभी आपको मिलने की नहीं। एक खबर और आ रही है कि 40% की कटौती की गई है किशोर बियानी जी की सैलरी में, अब उनको 2.17 करोड़ रुपए सालाना मिला करेंगे। चलो ये तो आपका अंदरूनी मैटर है, कितनी सैलरी है ये सब आपस की बातें हैं, फिर भी एक ये न्यूज़ आई है तो चलो मैंने सोचा आपको बता दूं। इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला कुछ नहीं है, इफेक्ट तो सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सिंगापुर के आदेश से, अंबानी जी के पलटने से, बियानी जी के मना करने से, अमेजोन के घुसने से ही इस शेयर में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर किसी
फंडामेंटल चार्ट का फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक ये आदमी इसके अंदर मिले हुए हैं और ये एक दूसरे को डील के लिए केस किए जा रहे हैं, तो तब तक इस शेयर में उतार चढ़ाव चढ़ते रहेंगे। और जिस दिन इसका एक डिसीजन आ गया कि डील कंप्लीट, तो सारा मसला ही कंप्लीट, आपके जो शेयर हैं वो आपको ग्रीनता की तरफ मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात आप कहीं लिख लो। देखो अभी अंबानी जी हैं ना सर, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अंबानी जी जो कर रहे हैं अभी, वो देश के नहीं अपितु विदेश के, फॉरेन के, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अमीर बनने की कोशिश में लगे हैं। और वो अभी कंपनियां को हायर करे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पूरा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने आलोक इंडस्ट्री खरीद ली, फ्यूचर ग्रुप में बात चल रही है, डस डायल खरीद लिया, अभी एक दो कंपनी और खरीद ली, अब वो ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ लेके चल रहे हैं सर। जिस दिन उनका वो सारा कंप्लीट हो गया, ये फ्यूचर कंज्यूमर या फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर है ना सर, आपको ऐसे जगह मिलेंगे आपने कभी सोच भी नहीं रखा होगा। फिर भी बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ आपको न्यूज़ और नॉलेज के आधार पर ही कुछ देने जा रहा हूँ, उस नॉलेज के आधार पर अपना डिसीजन खुद बनाएं, क्योंकि कभी भी एक न्यूज़ निगेटिव आ जाए कि डील ख़त्म, तो सब चीज़ ख़त्म। लेकिन अभी तक के सिचुएशन को देखते हुए लग तो यही रहा है कि ये डील बहुत जल्दी होगी और आपके जो शेयर हैं थोड़े से अब ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। अगर आपको भी अपनी डिसीजन पावर कुछ मजबूत करनी, अपने घर के बारे में कुछ पूछना है, शांति सुनती घर में नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, रिश्तेदार में आपकी इज्जत नहीं हो रही है, कोई आपको पूछता नहीं है, तो आप मेरे दूसरे चैनल में आइए जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आइए और अपनी मनोस्थिति को इतना अच्छा कीजिए कि आपको अपने घर पे नहीं अपितु संसार में आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक दिल ऐसा रखिए कि वो दिल आपको क्या क्या दिलवा देगा आपको ये खुद भी नहीं पता होगा। तो आइए उसके अंदर अपने DOB भेजिए जिसका नाम है डीप सर 6। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।